हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टाफिंग। स्टाफिंग इज आल्सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो बेसिकली इस स्लाइड में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग एंड मेन फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। A very good morning all of you. Hope so you will be good and fine. So let's start. What is the meaning of staffing? As this figure shows, जैसे कि हम ये फिगर देख रहे हैं, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनिंग एंड ऑल्सो कीपिंग मैन द पोजिशन क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। देर आर नंबर ऑफ पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ तो उसमें बहुत सारी पोजिशन होती हैं। इन दैट पोजिशन यू आर प्लेसिंग सुटेबल कैंडिडेट, दैट इज स्टाफिंग। ठीक है, जितनी भी पोजिशन हैं उन पोजिशंस पे आप सुटेबल और फिट कैंडिडेट को प्लेस कर रहे हो तो उसी को स्टाफिंग कहते हैं। कि भी जितने भी वैकेंट पोजिशन पे उस पोजिशन पे एक जो भी कैंडिडेट आप हायर कर रहे हो दैट मस्ट बी सूट एंड प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, यानी कि जॉब इवेल्यूएशन, जॉब एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू हायर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट। दैट कैंडिडेट मस्ट बी पजेसेस सच काइंड ऑफ स्किल्स विच आर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब और पोस्ट। ठीक है, तो जो पोस्ट है, जो भी पोजिशन है, उसके हिसाब से आप एक परफेक्ट कैंडिडेट को उस पोजीशन पे प्लेस कर रहे हो, उसी को हम स्टाफिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, देयर आर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया गया किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, क्या मीनिंग होता है स्टाफिंग का? स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द राइट वर्कर विद द एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस एंड रिक्रूटिंग देम टू फिल अ जॉब पोजिशन और रोल। ठीक है, स्टाफिंग का मतलब होता है कि भाई कोई भी एक पोजिशन है उसको प्लेस, उसको फिल करने के लिए आप एक एप्रोप्रिएट कैंडिडेट को हायर कर रहे हो जिसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट जॉब। ठीक है, सो रिक्रूटिंग ऑफ दैट पर्सन ऑन अ पर्टिकुलर जॉब और पोजिशन, दैट इज स्टाफिंग। उसी को हम स्टाफिंग बोल रहे हैं कि भी किसी भी एक कैंडिडेट को एक पोजिशन पे प्लेस करना। ठीक है, और एज वेल एज ऑल्सो सच पॉइंट कीप इन माइंड कि भाई प्रॉपर क्वालिफिकेशन होना चाहिए और प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए उस जॉब के हिसाब से या उस पोस्ट के हिसाब से। सो थ्रू दिस प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर, डेप्लॉय एंड रिटेन अ वर्क फोर्स ऑफ सफिशियंट क्वान्टिटी एंड क्वालिटी ऑफ क्रिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारी पोजिशंस होती हैं, उन पोजिशंस को प्लेस फिल करने के लिए स्टाफिंग की जाती है। ठीक है, और देयर मस्ट बी अ प्रिंसिपल फॉलो बाय द ऑर्गेनाइजेशन, राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। ठीक है, स्टाफिंग, जब भी हम स्टाफिंग करते हैं तो हम ये इंश्योर करके चलते हैं कि भाई राइट पर्सन ऑन राइट जॉब होना चाहिए, यानी कि जो भी आप पोजीशन है, जो भी वैकेंट पोजीशंस है उस पर आप एक फिट कैंडिडेट को ही प्लेस करें जिसके पास जो भी पोजीशन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो फिट बैठ रहा हो। ठीक है, सो इन मैनेजमेंट स्टाफिंग इज़ एन ऑपरेशंस ऑफ रिक्रूटिंग। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैनेजमेंट में अगर स्टाफिंग की बात कर रहा हूँ, स्टाफिंग मीन्स वी आर रिक्रूटिंग द कैंडिडेट्स। ठीक है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शंस, ये सब स्टाफिंग का ही पार्ट है। स्टाफिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ रिक्रूटिंग द एम्प्लॉयज बाय इवेल्युएटिंग देयर स्किल्स एंड नॉलेज बिफोर ऑफरिंग देम स्पेसिफिक जॉब अकॉर्डिंगली। ठीक है, एज वी नो इंटरव्यू सेशन, जैसे कि हम इंटरव्यू की बात करें, इन इंटरव्यू इंटरव्यूअर जो होता है वो इवेल्युएट करता है, वो टेस्ट करता है, वो जज करता है कैंडिडेट को कि इज ही एंड शी इज़ फिट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब और नॉट। ठीक है, बाय देयर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस इंटरव्यूअर इवेल्युएट करता है कि भी जो भी कैंडिडेट है वो उस जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं है। ठीक है, बाय आस्किंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस इवेल्युएटिंग देयर स्किल्स, उसके पास कितने स्किल्स हैं, कितनी नॉलेज है। ठीक है, ठीक है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग। तो इसी, ये क्या है, स्टाफिंग का ही पार्ट है। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एलिजिबल कैंडिडेट इन द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी फॉर स्पेसिफिक पोजिशन। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिक पोजिशन हैं उन पर आप सुटेबल कैंडिडेट को हायर कर रहे हो, दैट इज स्टाफिंग। इन मैनेजमेंट मीनिंग ऑफ स्टाफिंग इज ऑपरेशन ऑफ रिक्रूटिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शंस, ठीक है, और प्लेसमेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग।
द एम्प्लॉय बाय इवेल्यूएटिंग देयर स्किल्स नॉलेज एंड देन ऑफरिंग देम स्पेसिफिक जॉब रोल अकॉर्डिंगली. सो लेट अस फाइंड द मोर अबाउट व्हाट इज स्टाफिंग, व्हाट इज द इंटेल अलॉन्ग विद द फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग व्हाट आर द मेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग. अगेन अ डेफिनेशन गिवन बाय स्टाफिंग कैन बी डिफाइंड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. If we are talking about the staffing is also a main function of management. Planning, organizing, after that staffing. Staffing play very important role in the organizations and is a part of the main function. ठीक है, it involves the process of filling the vacant position of the right personnel at the right job, right time. ठीक है, there must be right person on right job on right time. So easily you can achieve the organization goals or objective. ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, यानी कि अगर हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक इंटेंट की बात कर रहे हैं, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, देन यू हैव टू एंश्योर कि भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पर्सनल हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, दे मस्ट बी ऑन राइट जॉब. ठीक है, राइट पर्सन ऑन राइट जॉब पे होना चाहिए और राइट टाइम पे होना चाहिए, ताकि बेटर तरीके से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को सस्टेन करके रख सको और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सको. ठीक है, अगर प्रॉपर प्लेस पे आप लोगों को हायर नहीं करोगे, प्लेस नहीं करोगे, तो इससे क्या होगा, स्टाफिंग इज़ ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड देयर इज़ अ इनकर्ड कॉस्ट ऑल्सो. कॉस्ट भी इनकर्ड हो रही है, टाइम भी कंज्यूम हो रहा है. तो देयर मस्ट बी एंश्योरिटी टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजर्स कि भी अगर वो जो स्टाफिंग कर रहे हैं तो राइट पर्सन्स को हायर करें, ताकि वो अपने स्किल्स और नॉलेज को यूज़ करके बेटर तरीके से ऑपरेशंस को प्रोसीड करें. ठीक है, तो उसी को स्टाफिंग कहते हैं. नेक्स्ट वन है फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग के कौन से मेन फंक्शंस होते हैं, सो लेट्स कवर. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज टू ऑब्टेन क्वालिफाइड पर्सनल फॉर डिफरेंट जॉब पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो यही है कि क्वालिफाइड पर्सनल्स को हायर करना और उनको अलग अलग पोजिशन, जो वैकेंट पोजिशन हैं, उन पर प्लेस करना. ठीक है, इन स्टाफिंग द राइट पर्सन इज रिक्रूटेड फॉर द राइट जॉब्स. अब ये भी इंश्योर करके चलिए, इट इज़ ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो. ओके, कि भाई जितनी भी पोजिशंस और आप उनको फिल कर रहे हो, तो वहाँ पे एक राइट पर्सन ही प्लेस होना चाहिए. आप ये देख लीजिए जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है, उसके हिसाब से एक आप बेस्ट कैंडिडेट को ही उस पर प्लेस करें, जिसके पास उस जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्किल्स और नॉलेज और एक्सपीरियंस हो. ठीक है, सो देयरफॉर इट लीड्स टू मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एंड हायर परफॉर्मेंस. राइट पर्सन और राइट जॉब पे होगा तो यू हैव एंश्योर कि भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव रहेगी. टाइम टू टाइम आप अच्छा बेटर परफॉर्म करोगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को बहुत ईजिली और एफिशिएंसी के साथ अचीव कर सकोगे. ठीक है, इट हेल्प्स टू प्रमोटिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स थ्रू द वेरियस एस्पेक्ट. Whenever we are talking about the human resource must be optimum and maximum utilized. Okay, whenever we are working in any departments, you have to such kind of basic informations also. ठीक है, हम किसी भी पोजिशन पर भी प्लेस हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, बट आपके पास बेसिक्स इन्फॉर्मेशन हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए, ताकि आप बेटर तरीके से कुछ बेसिक्स फंक्शंस परफॉर्म कर सको. तो ये भी यहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि भाई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस के लिए आप बेटर कैंडिडेट स्किल, ऐसे कैंडिडेट को हायर करें जिसके पास बेसिक स्किल्स भी हों. ठीक है, अगर आप मैनेजर एज अ मैनेजमेंट काम कर रहे हो, ठीक है, अगर इफ़ यू आर वर्किंग इन आई टी डिपार्टमेंट देन यू हैव सच काइंड ऑफ मैनेजरल स्किल्स ऑल्सो. मैनेजमेंट के एस्पेक्ट के हिसाब से आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कुछ बेसिक फंक्शंस को आप परफॉर्म कर सको. ठीक है, नेक्स्ट वन है जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द वर्कर्स इंक्रीज थ्रू द रिक्रूटमेंट ऑफ राइट पर्सन. और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर आप राइट पर्सन को राइट जॉब पे प्लेस करोगे, तो देयर मस्ट बी पर्सन मोटिवेटेड. वो पर्सन मोटिवेट रहेगा और बेटर तरीके से अपने एरिया में परफॉर्म करेगा. ठीक है, और जितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन के साथ वो काम करेगा, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और बेटर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में वो हेल्प करेगा. ठीक है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए. जॉब सेटिस्फेक्शन तभी होगा जब राइट पर्सन को आप राइट जॉब पे प्लेस करोगे. ठीक है, स्टाफिंग हेल्प्स to ensure better utilization of human resource. स्टाफिंग हेल्प करता है, ये इंश्योरिटी करता है कि भी जितने भी ह्यूमन रिसोर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वो आप उनको बेटर तरीके से यूज़ कर रहे हो. ठीक है, और ये इंश्योरिटी एक मैनेजर को
रखनी होती है। ठीक है, अगर मैं किसी भी एक डिपार्टमेंट की बात करूं तो मैनेजर ये इंश्योर करता है कि अगर उसके अंडर में 10 लोग काम कर रहे हैं तो 10 के 10 बेटर तरीके से विलिंगनेस के साथ अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं और ऑपरेशंस को प्रोसीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इंश्योर द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द डेवलपमेंट मैनेजर्स। ब्लू कॉलर वर्कर्स, दोज वर्किंग ऑन द मशीन्स एंड एंगेज इन लोडिंग अनलोडिंग, एंड वाइट कॉलर वर्कर्स, क्लैरिकल एम्प्लॉयज़। ठीक है, मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल पर्सनल, पर प्रोफेशनल, ठीक है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कंपनी सेक्रेटरीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। स्टाफिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व द मैनेजर्स इज कंटिन्यूसली एंगेज इन परफॉर्मिंग द स्टाफिंग फंक्शन। दे आर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, अप्रेजल ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। सो देयरफॉर द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स एंड द फॉरमैन इन रिलेशन टू देयर सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, स्टाफिंग इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजर्स ऑल्सो। ठीक है, मैनेजर क्या करता है, अच्छा इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, इट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर डू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट इन इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट मैनर। अगर किसी भी डिपार्टमेंट से वर्कर्स की रिक्वायरमेंट आ रही है या फिर किसी भी कोई भी एक पोजीशन वैकेंट है उसकी रिक्वायरमेंट आ रही है तो राइट पर्सन को प्लेस करना उस पोजीशन पे। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजर की है कि भी आप उसको हायर करेंगे, ठीक है, रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होगा। ठीक है, तो ताकि बेटर तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर सको। सो इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर टू हायर अ बेस्ट कैंडिडेट इन अ बट ऑन अ पर्टिकुलर पोस्ट। ह्यूमन स्किल्स, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है ह्यूमन स्किल्स। स्टाफिंग फंक्शन इज मेनली कंसर्न्ड विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स, and therefore manager should use human relations skill in providing guidance and training to the subordinates. If the staffing function is performed properly, then the human relation in the organization will be cordial and mutual performed in the organized manner. Okay, स्टाफिंग की बात करें, देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन लीड्स टू कोऑर्डिनेशन, ओके, कोऑर्डिनेशन क्रिएट अ वेरी हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए क्या होता है, इफ़ यू वांट टू मेक अ प्रॉपर यूनिटी एंड द कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो देयर मस्ट बी प्रॉपर कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Due to this purpose, sometime you have to train your workers also. आप उनको training भी देते हैं, ठीक है, आप develop करते हैं उनके skills को, polish करते हैं ताकि better तरीके से वो organization के expectation के हिसाब से काम कर सकें। ठीक है, so you have to increase their human skills also. Next one है continuous फंक्शन। स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ऐसा नहीं है टुडे इट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली वन ईयर। एवरी डे एंड एवरी ईयर यू हैव टू हायर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगर कोई भी पोजीशन वैकेंट हो रही है तो वहाँ पे राइट पर्सन प्लेस होना चाहिए। मैनी टाइम बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ लोग स्विच करते रहते हैं, लीव कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, कोई पोजीशन वैकेंट हो जाती है, तो उसके लिए आपको बेटर कैंडिडेट, एक बेस्ट कैंडिडेट वहाँ पे प्लेस करना होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। It helps in promoting the optimum utilization of human resource through the various aspects. Job satisfaction and morale of the workers increase through the recruitment of right persons. Thank you very much.